बलिया जनपद के मालदेपुर मोड़ पर बलिया लोकसभा जेड से प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह मस्त के चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते यूपी में गठबंधन पर अखिलेश व मायावती पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि मैं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने में जुटा हूँ। महाविलावटी लोग मेरी जाति पूछ रहे हैं, मेरे दिमाग में जाति नहीं है। लोगों को घर, गैस, चूल्हा, शौचालय आदि जाति पूछ कर नहीं दिया। छोटे किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार सभी को 60 साल बाद पेंशन मिलेगी, इसकी योजना बनेगी। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि बुआ बबुआ दोनों मिलकर जितने साल मुख्यमंत्री नहीं रहे उससे ज़्यादा समय गुजरात का सीएम रहा हूँ। अनेक चुनाव लड़े और लड़ाए हैं लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा कि जहां उनकी छाया है वहां नहीं चाहता कि लोगों को विरासत में गरीबी और पिछड़ापन मिले। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है इस दयनीय स्थिति को बदलना है। मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए नहीं, आपके लिए लड़ रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि महामिलावटी लोगों ने जाति के नाम पर अपने और अपने रिश्तेदारों के बंगले खड़े किए हैं, महल बनाए हैं, नामी और बेनामी संपत्ति का अंबार लगाया है जिसका पूरा हिसाब एजेंसियां ले रही हैं। कभी एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले आज महामिलावट करने पर मजबूर हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि मोदी अपने विधायक व सांसद की जूतम पैजार का जिक्र करना भूल गए। मोदी ने अपने भाषण में आचार संहिता की धज्जियां जमकर उड़ाई। चुनाव आयोग के निर्देशों को ताक पर रखकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। बलिया से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट।